अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न सिलाई क्लासेस। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज के शोल्डर क्यों गिरते हैं, यानी कि क्यों नीचे की तरफ आते हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, हम ब्लाउज का साइज लेते टाइम जो गलती करते हैं, उसकी वजह से शोल्डर हमारे ढल जाते हैं। देखिए, अगर पीछे का गला बहुत बड़ा है तो आप लोगों को इस तरह हुक लगाकर शोल्डर को लेना चाहिए। अगर पीछे का गला बड़ा नहीं है तो आप लोग, छोटा गला है पीछे साइड का, तो आप लोग हुक को इस तरह, सामने का जो हुक्स रहता है उसे इस तरह खोलकर शोल्डर को मापना चाहिए। अब देखिए, इस ब्लाउज का जो गला है पीछे का बड़ा है, तो इस गले, इस शोल्डर को मापते टाइम हम हुक को इस तरह लगाकर शोल्डर का साइज ले लेंगे हम। देखिए, अब हुक लगाने के बाद जो शोल्डर का साइज आ रहा है वो 12 है। देखिए, पहले तो मैं बता देती हूँ, लेंथ इस तरह लेते हैं। ये ब्लाउज की जो लेंथ है ये 13 इंच है, तो हम इस तरह लेंथ 13 इंच लिख लेंगे। और अब मैंने हुक्स लगाकर रखा हुआ है, अब हम शोल्डर लेंगे। देखिए, शोल्डर इसका 12 इंच आ रहा है, अब हम इस तरह 12 इंच लिख लेंगे। ये शोल्डर है, अब हम इसका बगल लेंगे, यानी कि आर्म होल। तो हम बगल का निशान लेते वक्त हुक को खोल देंगे। ये बगल का निशान है, देखिए बगल का निशान हम इस तरह से इस पर लेते हैं, तो ये यहाँ पर आ रहा है 5.2। लेकिन हम इसमें जो शोल्डर का माया जाता है वो भी 1/2 इंच हम इसमें ऐड करेंगे, तो होता है 2 - 6। तो आप लोग इस तरह यहाँ पर 6 भी ले सकते हैं या फिर 2 पॉइंट कम भी कर सकते हैं। अब हम देखिए, अब मैं इसको ब्लाउज का जो हुक है इसको ओपन रखकर, यानी कि खुला रखकर आप लोगों को शोल्डर माप के बता रही हूँ। देखिए, ये शोल्डर आपका 14 आ गया। अगर मैं ये ब्लाउज का साइज 14 इंच का हाफ करके यहाँ पर 7 इंच लेके कट करूंगी, शोल्डर का साइज अगर मैं यहाँ 14 लिखकर यहाँ 7 इंच लेकर कट करूंगी उसका हाफ करके, तो इस ब्लाउज के जो शोल्डर रहेंगे वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे। इसलिए कभी भी अगर पीछे का गला बड़ा है तो आप लोगों को इस तरह हुक लगाकर ही शोल्डर को लेना चाहिए, जिससे कि आप लोगों का शोल्डर बिल्कुल ना हटे जगह से। अब देखिए, मैं इसकी ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगी और मैं इसका चेस्ट माप के बताऊंगी। हमें ब्लाउज का जो हुक्स रहता है उसे खोलकर रखकर पीछे के हिस्से से मापने से बिल्कुल सही साइज आ जाता है। देखिए, इस निशान से इस तरफ इसका जो चेस्ट है यह है 22 इंच, तो इसका चेस्ट हम यहाँ 22 इंच इस तरह लिख लेंगे। लिखने से क्या होता है कि कटिंग में आप लोगों को आसानी हो जाती है। अब हम नीचे की वेस्ट की चौड़ाई भी ले लेंगे। देखिए, वेस्ट की जो चौड़ाई है वो है 18 इंच, तो हम यहाँ पर वेस्ट की चौड़ाई 18 इंच लेंगे। लेकिन इसमें हमें, देखिए, यहाँ पर एक प्लेट्स रहती है और यहाँ पर एक प्लेट है, तो इन दोनों की प्लेट्स का हम 1-1 इंच यानी कि 2 इंच प्लेट्स के ऐड करेंगे, तो होता है वेस्ट की चौड़ाई यानी कमर की चौड़ाई ये हिस्से में 20 इंच। तो अब हम इस पर डायग्राम डालकर शोल्डर में क्यों ढल जाते हैं कंधे, ये मैं बताने वाली हूँ। देखिए, पहले तो मैं इस पर बुक में डायग्राम डालूंगी। ये 13 इंच लेंथ है ब्लाउज की, इसमें वह 1 प्लस करूंगी 14 इंच। नीचे की तरफ 14 इंच लेना है और ऊपर की तरफ 1 इंच लेना है। लेंथ हो गया, अब शोल्डर है 12, 12 का हम हाफ कर 6 लेंगे। लेकिन मैंने ओपन रख के बताया था तो 12 शोल्डर 14 आया था, हुक्स खुला रखकर बताया था तो 14 आया था। इसका अगर हम हाफ करके 7 लेंगे तो आपके शोल्डर ढल जाएंगे। अब इसका जो आर्मोल है बगल वो 6 है, इसको हम हाफ नहीं करेंगे, इस तरह 6 ले लेंगे। इसका चेस्ट 22 है, इसको हम हाफ करेंगे, 11 इधर तरफ लिख लेंगे। अब वेस्ट की चौड़ाई 18 थी, ये 2 इंच प्लेट्स के मिलाए सो है, तो 20 इंच हो गया। 20 का भी हम हाफ करें 10 इंच नीचे की तरफ,
अब हम यहाँ माया वन एंड हाफ ले लेंगे। अगर आप ज़्यादा माया चाहते हैं तो आप 2 इंच भी डाल सकते हैं माये को। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए 13+1 मिला के 14, तो मैं इस तरह 14 ले रही हूँ। ये 14 इंच हो गया, ये लेंथ हो गई। अब मैं शोल्डर लूंगी, शोल्डर इसका 6 है, ये इसका शोल्डर हो गया 6 इंच। अब मैं इसका आर्मोल यानी कि बगल लूंगी, ये भी 6 है, लेकिन देखिए बगल को हमें इस तरह सीधा नहीं रखना है, बाहर की तरफ क्रॉस करके रखना है इस तरह। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंट है, ये मैं सीधी लकीर लिए हुई है और ये क्रॉस लकीर लिए हुई है। अब हम चेस्ट का निशान लेंगे, चेस्ट 22 है तो इस पर हम 22 का हाफ 11 इंच ले लेंगे। ये हो गया चेस्ट का निशान। अब हम वेस्ट की चौड़ाई लास्ट नंबर पे यानी कि नीचे जो 14 इंच का निशान लगाया था यहाँ पर हम वेस्ट की चौड़ाई ले लेंगे। अब इन दोनों को हम मिला लेंगे। देखिए इस तरह अब हम यहाँ पर 1 इंच का क्रॉस टेप रखकर, 1 इंच का इसमें बीच सेंटर में यहाँ पर टेप रखकर इसे राउंड कर लेंगे इस तरह। देखिए अगर ये ब्लाउज की कटिंग में मैंने शोल्डर इसमें 7 अगर ले लिया इस तरह 7, तो ये ज़्यादा बढ़ जाता है ये हिस्सा। इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो शोल्डर होते हैं वो नीचे की तरफ ढलने लगते हैं। ये था एक रीज़न। और दूसरा रीज़न है इसका कि आप अगर शोल्डर आप 6 भी ले रहे हैं लेकिन गले की चौड़ाई अगर बढ़ा दिए आपने, जैसे इसका जो इस साइज के हिसाब पे 2-3 यानी कि 2 पॉइंट कम आएगा 3 इंच को इस तरह इस गले की चौड़ाई, लेकिन आप इस तरह इससे ज़्यादा कट करेंगे 3 से 3.5 तक ले लेंगे तो फिर आपके जो शोल्डर है वो फिर भी ढल जाएंगे कम लेने के बावजूद। यानी कि गले पे भी ध्यान रखना है और हमारे शोल्डर के साइज को भी ध्यान रखना है। ये 2 रीज़न है आपके शोल्डर ढलने के। अब मैं इसकी कट करूँगी इसे। देखिए मैं कटिंग के जरिए आपको समझाऊंगी। मैं पहले 7 इंच से कट कर रही हूँ। देखिए बैक साइड का हिस्सा है, अब मैंने इधर से 7 इंच पे कट कर दिया है और मैं गले की जो चौड़ाई है 2-3 यानी कि 2 पॉइंट कम ले रही हूँ 3 इंचेस को। और इसकी जो पीछे का बैक साइड है वो है 8 इंचेस लेंथ। बैक साइड की जो लेंथ है ब्लाउज की वो 8 है, नीचे की तरफ भी हम 3.25 इंच का यानी कि 2-3 इंच का बॉक्स बनाकर इस तरह स्क्वायर में ले लेंगे। अगर आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा फैला हुआ गला चाहिए तो नीचे की तरफ आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा बड़ा करके इसे राउंड इस तरह ले सकते हैं। लेकिन ये तो रही गला कट करने की बात, पहले हम शोल्डर में बताएंगे। ये जो 7 इंच मैंने लिया हुआ है इस साइज के हिसाब से ये रॉन्ग है। अगर आपके गले बड़े हैं तो आपको शोल्डर कम लेना है यानी कि इसका शोल्डर आएगा 6 इंच। तो ये जो मैं कपड़ा आप कट कर रही हूँ इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रहने से भी आपके शोल्डर नीचे की तरफ ढल जाते हैं। देखिए इतना कपड़ा जो एक्स्ट्रा था इससे आपके शोल्डर ढल जाते। अब मैं इसमें 6 इंच रखी हूँ तो मैं इसमें अगर नेक इस तरह कटिंग भी करूंगी, इस तरह कट करने पे भी आपके शोल्डर ये पट्टी छोटी रहेंगी और ब्लाउज भी आपको खूबसूरती में बैठेगा, अच्छे से बैठेगा ब्लाउज और आपके शोल्डर भी नहीं ढलेंगे। तो इसमें शोल्डर ढलने के 2 मेन रीज़न है। पहला है शोल्डर को ज़्यादा नहीं कट करना चाहिए, दूसरा है नेक की जो चौड़ाई होती है उसे ध्यान में रखना चाहिए, साइज के हिसाब से नेक की चौड़ाई लेनी चाहिए। अगर आप इन दोनों बातों का ख्याल रखेंगे तो कभी भी आपके ब्लाउज के शोल्डर या फिर कुर्ती सूट के शोल्डर कभी नहीं नीचे की तरफ ढलेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।